अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने कामों में खुशबाश होंगे और मसरूफ़ होंगे। मैं भी खुश हूँ, बाशूर और मसरूफ भी हूँ। सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने सोचा जी ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन हो चुके हैं ब्लॉग बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ पीछे के जो हैं वो मेरे पास क्लिप्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो मैं इसमें जो है वो अटैच कर दूँगी। और मौसम जो है वो आजकल सावन की रिमझिम जो है वो झड़ियाँ लगी हुई और इतनी खूबसूरत हुए हैं। और यार बालों का ना कुछ करना पड़ेगा, लाइक मुझे लगता है कि मुझे अब केराटीन लेने की नौबत आ चुकी है, तो इंशाल्लाह इन पे कुछ जल्दी अमल करते हैं। लेकिन इन दीज डेज़ में मैं बालों पे कुछ कर नहीं रही। मैं बालों पे जो है वो दीज डेज़ में कुछ सीन इस तरह से है कि मैं बालों पे जो है वो स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि बाल ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डैंड्रफ शुदा हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो इस वजह से अभी मैं नॉर्मली ब्लो ड्राई थोड़ा थोड़ा मार के आती हूँ, देन सीरम लगा के आती हूँ, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा हालत मेरी बेहतर हुई हुई है। तो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि ऑफिस वगैरह में आई हुई थी और मेकअप आप देख सकते हैं कि मैं एज़ यूजुअल रस्ते से आते आते मेरा मेकअप खुल फुल जाता है, पता नहीं क्यों मेरे फेस पर स्टे ही नहीं करता, चाहे मैं जितनी अच्छी मर्जी वाले मेकअप यूज़ कर लूँ। तो इस वजह से वैसे मुझे थोड़ा नेचुरल रहना पसंद ही है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बहुत हर टाइम मेकअप मेकअप मेकअप। सो अब सीन कुछ इस तरह से है कि अभी खाना शाना खा लिया था मैंने, चाय भी पी ली है और मैं वेट कर रही हूँ अपनी छुट्टी का। हर एम्प्लॉय को ना अपनी छुट्टी का ही वेट होता है। सुबह जब आती हूँ ना तो इतना वो अजीब सा माइंड होता है ना, लेकिन इस टाइम जो है माइंड फ्रेश होता है क्योंकि वापस जाना होता है। तो आज वापस जाके भी मैंने बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनाना है, क्योंकि मेरा बहुत दिल कह रहा है, हसन का बहुत दिल कह रहा था, उनको खिलाना है, खुद खाना है। और बस आगे जो होगा इंशाल्लाह सुन आपको बताएंगे। और एक छोटी बात, सीन कुछ इस तरह से कि सुबह जब मैं आई थी ना तो मेट्रो बंद थी, तो अभी भी सीन कुछ इस तरह है कि मेट्रो बंद है, बंद इन सेंस ऐसे है, खुली भी है और बंद भी है, कि जिस मेट्रो स्टेशन तक मैं आती हूँ वो वाला स्टेशन जो है वो फैज़ अहमद फैज़ तक जो है वो खुला है, वहाँ तक मेट्रो चल रही है, लेकिन जिस स्टेशन तक मैं आती हूँ वहाँ मेट्रो नहीं चल रही। तो इस वजह से मेरे सुबह भी जो है वो मैं बहुत मुश्किल से पहुँची, मुझे हसन छोड़ के गए थे, ठीक है। और अभी जो है वो जाते वक्त यहाँ से मेरे साथ जाती हैं 2-3-4 लड़कियाँ, खैर आज तो हमारे ऑफिस में ज़्यादा लड़कियाँ हैं भी नहीं, छुट्टी करके आधे लोग जा चुके हैं और आधे लोग आए ही नहीं थे, और हम जो आए हैं वो 3 से 4 लड़कियाँ हैं मिला के। हमने कहा चलो जी हम ड्राइव कर लेंगे, इन ड्राइव से वहाँ अपने घर चल सके, आगे तो खैर मैं पहुँच ही जाऊँगी। तो इस वजह से सीन है कि जब मेट्रो भी नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत। तो अभी मौसम का कुछ पता नहीं चलता, मौसम कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती। तो बस अपनी दुआओं में बहुत सारी याद रखें, इसी तरीके से मेरे व्लॉग देखते रहें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी किया करें। उसके बाद गाइस मैं फ्री बैठी हुई थी, मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था, तो मैंने सोचा अपने नेल्स को थोड़ा सा फॉइल कर लूँ। नेल की शेप बहुत ही अजीब और गरीब सी हुई हुई थी, मैनी पैडी तो मैंने करवाया नहीं एज़ यूजुअल, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है वो लिया था मैनी पैडी, आप लोगों को याद होगा तो ईद पे आई थिंक सो, हाँ ईद पे लिया था। उसके बाद नेल्स डेफिनेटली जब आपके बढ़ते हैं, यार आजकल ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं एक्रेलिक नेल्स करवा लूँ, जो फेक नेल्स होते हैं ना वो मुझे बहुत दिल कर रहा है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या मुझे करवाने चाहिए या नहीं। तो अभी इस वजह से जो है वो मैंने साथ ही उससे लिया था यार, अक्सा से मैंने कहा था कि यार अपना फॉइलर दो ताकि मैं अपने नेल्स जो हैं वो अच्छे से जो है वो उनको शेप दे सकूं। जैसे कि मैंने बताया था कि इस पर मेट्रो नहीं चल रही, मेट्रो तो चल रही है लेकिन आधे रास्ते नहीं चल रही, तो हमारी इन ड्राइव आ गई थी और वो रही मेरी गर्ल्स। हमने इन ड्राइव करवा ली थी और हमारी इन ड्राइव आ गई थी, अभी मैं घर जाऊंगी। ओके गाइस, तो घर में जो है वो वापस आ चुकी हूँ और मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा
कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। देन अभी जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इन ड्राइव पर ही हम आए थे, मेट्रो एज़ यूजुअल कल भी बंद है और कल भी खवारी होने वाली है मज़ेदार वाली। सो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। मिलते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा गाइस, तो सीन कुछ इस तरह से है कि आके मैंने फेस चेस जो है वो फ्रेश कर लिया, होप सो इस पर लाइट अच्छी पड़ रही होगी, ठीक है। और फेस मैंने फ्रेश करने के बाद जो है वो सोचा है कि 9वीं 10वीं मुहर्रम को मैं बाहर थी, काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस पे टैनिंग हुई हुई। और ये देखें, ये मेरे मेहमान ये भी आए हुए हैं, फेस को शेव क्लीन भी करना है, ठीक है, थोड़े बहुत बाल चाल भी आए हुए हैं। और इसलिए मैंने जो है वो अभी मुल्तानी मिट्टी जो है वो सईद गरी वालों की बनाई है, तो अभी मेरा हाथ आप देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा है इसको लगाते हैं ताकि हमारा फेस जो है वो इवन अपनी जगह पे तो आ जाए ना, मतलब जैसा कम से कम कलर है वो तो आए ना, ये जो टैनिंग वगैरह आई हुई है ये कम से कम रिमूव हो जाए धूप की वजह से। और धूप में आपको पता है जब आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो तकरीबन सन ब्लॉक भी आपका 3 घंटे चलता है, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, ज़रूरी होता है, उसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो 3 से 4 घंटे ही होती है। और डेफिनेटली जब मैं बाहर थी जुलूस मजलिस वगैरह पे एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैं वो चीज़ तो कैरी नहीं कर सकती थी और थोड़ा अजीब भी लगता अगर मैं वहाँ पे ये चीज़ लगा फिर रही होती, तो इस वजह से मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा वाली टैनिंग और अजीब सी वो धूप धूप जैसी पड़ी नहीं होती जैसे फेस पे, तो इस तरह वाला सीन हुआ हुआ है। और मुझे ताने भी निकल रहे हैं बहुत ही गंदे वाले, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ, मैंने बहुत ही मुश्किलों से ठीक किए हैं। मुझे इस तरह नहीं होता कि मेरे साथ कि मेरा फेस बहुत कोई गोरा चिट्टा लगे और मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, नहीं। मेरी नाइट क्रीम्स में भी अगर आप देखें तो मैं कोई वाइटनिंग की क्रीम नहीं लगाती, मैं कोई वाइटनिंग के इंजेक्शन्स नहीं लगाती, कोई कैप्सूल्स नहीं खाती। मेरी स्किन रूटीन में जस्ट और जस्ट नेचुरल चीज़ें, और एक जस्ट मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी का सीरम है जो कि मैं अपनी एक्ने के लिए यूज़ करती थी, और एंड ऑफ द एंड के मैं वो ही यूज़ करती हूँ। तो इसके अलावा मैं कोई वाइटनिंग की क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल चीज़ों से ही मेरा जो फेस है वो कवर अप हो जाए, तो साथ साथ काम भी करते हैं, ज़रूरी है। अभी ये लगाया है फेस पे, आज मेरा दिल कह रहा है, एक मिनट मैं अपना पहले ना मोबाइल ट्राईपॉड पे लगाती हूँ। खैर गाइस, मुझे अपना ट्राईपॉड तो नहीं मिल रहा, तो इस वजह से जो नीचे काम कर रही हूँ वो तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरा फेस आप लोगों को नज़र आता रहेगा। ओ शिट, तो साथ साथ इसके जो हैं वो मेरे थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं जो कि ये रहे सिंक के अंदर, सो इनको भी साथ साथ धोते हैं और मज़ीद बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि पिछले 2-4 दिनों में ना मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया है, वो शायद इतना धूप में निकलती नहीं हूँ अंदर रहने से, या मेरी क्या था, धूप बहुत ज़्यादा थी, सन ब्लॉक की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, सो फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत इसको ना हेल्दी रखने के लिए इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि आज मेरा दिल कह रहा है मज़ीद कुछ बहुत ही अच्छा खाने को, तो अभी कटिंग वगैरह भी करती हूँ मैं सब्जियों की, स्पेगेटीज बनाते हैं, और जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे उन लोगों को पता होगा कि मुझे स्पेगेटीज बहुत पसंद है, और अपने हाथ के तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं है मैं सेल्फ ऑब्सेस नहीं हूँ, मुझे अगर किसी के भी हाथ की कोई अच्छी चीज़ बनी भी हो तो मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना स्पेगेटीज चाहिए, मतलब बहुत याद आ रही थी, आज इतने दिन हो गए मैंने बनाई नहीं, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो, पहले सोचा था अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीज़ वाली माइक्रोनीज बनाऊँ, लेकिन उसके लिए
चीज़ लानी पड़ेगी, माइक्रोवेव होना चाहिए। और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैंने लज़ानिया कभी ट्राई नहीं किया, तो लज़ानिया बनाने को। तो लज़ानिया का भी सीन कुछ इस तरह से है कि लज़ानिया पास्ता जो होता है वो मांगता है आपसे जी, क्या मांगता है जी? लज़ानिया पास्ता आपसे ओवन मांगता है, ठीक है, प्रॉपर, और उसमें आपको रखना पड़ता है उसका, वरना टेस्ट अच्छे से नहीं आता। मे बी बन जाता हो चूल्हे पे भी, बट आई डोंट नो, मैं यूट्यूब पे चेक करूँगी। यूट्यूब के बंदे भी यूट्यूब पे चेक करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने अपनी सारी जो है ना वो यूट्यूब से ही सीखी है। हाँ, जो टेस्ट होता है वो आपके अपने हाथ का होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं बाहर से आ जाए या कुछ हो जाए, वो कभी कभी आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी मदर के हाथ में है, आपके ख़ानदान में अगर कोई और ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है तो आप अगर बनाते हैं तो अच्छा होता है, तो वैसा सीन भी होता है। मेरी मदर माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत और लजीज खाना बनाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। अपनी मियाँ, अपनी तारीफ़ अपने मियाँ मिठू नहीं बनते, वो कहते हैं ना अपनी तारीफ़ अपने मुँह, आई थिंक सो ऐसे कोई मुहावरा है। तो अपनी तारीफ़ नहीं करती मैं, मुझे पसंद भी नहीं है। तारीफ वो होती है जो दूसरे करें, वो भी आपके पीठ पीछे। वैसे पीठ पीछे तो बुराइयाँ करते तारीफ बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो जो तारीफ़ आपकी पीठ पीछे करते हैं ना भाई, उन्हें आप संभाल के रखें ताउम्र, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और मेरे बर्तनों के खट 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 समझ आ रही है, तो हाजरत। तो अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, तो अम्मी जो हैं वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत उन जैसा तो नहीं, मतलब मामा मेरी 100% अच्छा खाना बनाती हैं, उनमें उनका 20%, समझ रहे हैं। तो इस वजह से मेरे हाथ में भी थोड़ा बहुत उनका जायका अवेलेबल है। कहते हैं, सुना है कि अगर आपके माँ बाप में से कोई अच्छा खाना, डेफिनेटली लड़के भी शेफ़ होते हैं, किसी का बाप शेफ़ हो सकता है ख़ानदानी तौर पे, तो अगर किसी के माँ बाप अच्छा खाना बनाते हो तो उनकी बड़ी औलाद या औलाद के अंदर ये चीज़ आ जाती है। सो खैर, बात बहुत लंबी हो गई है, मेरा बहुत दिल कह रहा है कि मैं लज़ानिया ट्राई करूँ। और अगर YouTube पे मिल गया कि आप गैस पे इस तरह से बना सकते हैं लज़ानिया, सो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मैंने बहुत सारी कुकिंग पिछले 2-3 महीनों में शेयर कर भी दी है, और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद करती हूँ। और मज़े की बात सबसे पता क्या है, अभी मैं घर गई थी और अम्मा से सारे बर्तन लेकर आई हूँ सारे बर्तन लेकर आई हूँ। तो वैसे मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंट है ना, मतलब यूँ खड़े होके मुंह के ऊपर लगा के और आपसे बातें कर रही हूँ, वाह। वैसे मैं बोर नहीं हो रही ना आपसे बातें कर करके, इस वजह से मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे होंगे, जिन्हें इंटरेस्ट है वो सुनेंगे। तो मैं अम्मा से सारे बर्तन लेकर आई हूँ इसलिए कि मेरा खर्चा ना हो, और बर्तन बहुत महंगे हैं यार, मैंने उनसे कढ़ाई पतीले सारा कुछ लेकर आए, क्योंकि मुझे बहुत मज़े मज़े के खाने बनाने हैं। और खाने बनाने के लिए आपको बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ खानों खाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो और जब आप बर्तन गंदे करते हैं फिर आपको उनको धोने की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे बर्तन जो है ना यार, बाई बाई लाइट हुई लेकिन मैं बार बार बाई देती हूँ। तो खैर, बर्तन मेरे हो गए हैं जी फिनिश, तो अभी मेरे तकरीबन मुंह भी मेरा सूखने वाला है, ठीक है, और इसी के साथ साथ कटिंग करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं।